नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम बात करेंगे आज मुहर्रम की। मुहर्रम का पाक महीना इमाम हुसैन की शहीदी का महीना है। इस्लामिक नववर्ष का पहला महीना है, लेकिन कुछ अराजक तत्व मुहर्रम की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। श्रीनगर, दरभंगा, नवादा से ऐसी तस्वीर आई जो किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं है। दरअसल यहाँ मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए। इन लोगों ने न सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, बल्कि इसराइल अमेरिका के विरोध में भी नारे लगाए। अब भारत की धरती पर फिलिस्तीन का झंडा तो किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगा। सच्चे भारतीय मुसलमानों को भी यह हरकत कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुहर्रम की आड़ में ये सब कर रहे हैं। और अमेठी में भी, जी हाँ, फिर से ध्यान से सुनिए, अमेठी में भी मुहर्रम के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। हालांकि यहाँ पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मातम के नाम पर ऐसी हरकत क्यों? क्या फिलिस्तीन का झंडा लहराकर भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। श्रीनगर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। नवादा में भी मातम के नाम पर निकाले गए जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा नजर आया। दरभंगा में भी मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया। अमेठी में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हों, लेकिन हर जगह सवाल एक ही है, विवादित नारेबाजी और भारत की जमीन पर फिलिस्तीन के झंडे के पीछे आखिर एजेंडा क्या है? वीडियो यूपी की अमेठी का बताया जा रहा है, जहां मुहर्रम के जुलूस में विवादित नारेबाजी हुई है। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनंद फानंद में वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये तस्वीरें मुजफ्फरखाना इलाके की है। भीड़ ने थाने के सामने ही हिंदुस्तान में रहना है तो यह हुसैन कहना है कि भड़काऊ नारे लगाएं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। वही दोषी समाज होगा जिसने इस तरीके की नारे लगाई है, इसलिए उन पर कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है। मैं पुनः कहूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से कि आप तत्काल कार्रवाई करें। वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए अमेरिका और इसराइल के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही जुलूस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। सवाल ये है कि भारत में जहां तिरंगा लहराया जाना चाहिए, वह फिलिस्तीन का झंडा आखिर क्यों लहराया जा रहा है? आठ जुलाई को बिहार के दरभंगा में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स इस्लामिक झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा रहा है। शख्स उत्साहित होकर कुछ नारे भी लगा रहा है। बिहार के ही नवादा में ही कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कुछ लड़के फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। दरअसल रविवार को मुहर्रम के दौरान चादरपोशी को लेकर बिना इजाजत जुलूस निकाला गया था, जिसमें कुछ लड़कों ने फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराया। हालांकि झंडा लहराने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मातम के नाम पर जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी क्यों? क्या जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे महज संयोग है या फिर प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर की, जहां मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया। दूसरी तस्वीर यूपी के सहारनपुर की, यहां भी मुहर्रम का जुलूस तो निकाला गया, लेकिन यहां देश का तिरंगा लगाया गया झंडे के साथ। आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, तो झंडे के साथ, तिरंगे झंडे के साथ यहां जुलूस निकाला गया। ये दो तस्वीरें आप देखिएगा, श्रीनगर और सहारनपुर का फर्क आपको दिखा रहे हैं हम।
श्रीनगर में जहां फिलिस्तीन का झंडा नजर आया तो यहां तिरंगे के साथ युवाओं ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। ये सहारनपुर की तस्वीर जो अपने आप में एक उदाहरण है। चलिए ग्राउंड पर हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे एक एक करके। हमारे साथ अतीक अहमद रहेंगे लखनऊ से, हमारे साथ नीना जैन सहारनपुर से रहेंगे, मनीष गुप्ता आगरा से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे और अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले नीना जैन का रुख लेते हैं। नीना, सहारनपुर से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, यहां मुस्लिम युवा तिरंगे के साथ मुहर्रम निकालते नजर आए लेकिन कई जगह फिलिस्तीन के झंडे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सहारनपुर में एक देश प्रेम मुहर्रम के दौरान नजर आया। मुहर्रम जुलूस में यहाँ पर हमारे देश का ध्वज है वो लोगों ने लहराया, मातम जरूर मनाया लेकिन झंडा अपने देश का लहराया। लेकिन कुछ जगह फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, नारेबाजी की गई। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानते क्या करें क्या कहेंगे। जहाँ सहारनपुर में देश प्रेम की तस्वीर पेश की है वहाँ दूसरी जगह इस तरह की बात। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेठी में कुछ लोगों ने जो है मुहर्रम के दौरान एक नारेबाजी की है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो यहाँ हुसैन बोलना होगा। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। इस तरह की नारेबाजी जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने कुछ चुनिंदा लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है लेकिन वहीं अगर बात करें तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अभी पुलिस जांच कर रही है कि ये किस समुदाय के लोग थे और इन्होंने जो नारेबाजी की है किस उद्देश्य से की है। वहीं आपने कहा कि कहीं पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया। देखिए फिलिस्तीन का झंडा हिंदुस्तान में लहराना बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि फिलिस्तीन के जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए जो है हिंदुस्तान के लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए लेकिन इस तरह से झंडा लहराना कहीं ना कहीं गलत है, बिल्कुल गलत। देखिएगा सहारनपुर के अंदर तो हमेशा ये सहारनपुर जो है ना एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राज जी हो या मुस्लिम हो सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और जैसे कि अभी हमें मालूम हुआ है कि जो झंडा लहराने वाली बात है या हुसैन वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से करना ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके से अगर ये करेंगे तो इसका गलत मैसेज जाता है। पूरी कौम बदनाम होती है इसमें, ये कोई नहीं कहेगा कि शियाओं ने किया है किसने किया है, वहाँ पूरी कौम बदनाम होती है, वहाँ पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। और जो हमारी फिलिस्तीन की बात है हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम है उनको सपोर्ट करें किसी भी तरीके से। हमारे प्रधानमंत्री चीज में सक्षम है, वो चाहें अगर वो चाहेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको रोक सकते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इसको? चलिए नीना, देखिए सहारनपुर के लोग कह रहे हैं कि गलत है, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अतीक अहमद लखनऊ से, अतीक का रुख लेते हैं। अतीक, जिस तरह अमेठी में नारेबाजी हुई, सहारनपुर में तिरंगा लेकर लोग निकले लेकिन श्रीनगर और कई जगह से फिलिस्तीन के यहाँ पर झंडे लगाए गए, कैसे देखते हैं लखनऊ के लोग इसे? क्योंकि जब बात करते हैं कि जो मुहर्रम का महीना होता है, हालांकि ये बड़ा पाक महीना होता है और गम का महीना होता है, इस तरह से अजित तत्व ने जो अमेठी में नारेबाजी की है उसको लेकर लखनऊ का ये मुस्लिम इलाका है, पारा का सदरौना है, यहाँ पे तमाम मुस्लिम लोगों से बात करते हैं कि मुहर्रम के नाम पर कल अमेठी में जो नारेबाजी की कि हिंदुस्तान में रहना है, इमाम से सहना है और फिलिस्तीन को लेकर श्रीनगर झंडा जलाया गया, कैसे देखते हैं मुहर्रम के नाम की करते हैं? देखिए ये जो कुछ हर वर्ग में कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग होते हैं और ये सब गलत है, ये सब नहीं बोलना चाहिए कि हुसैन हुसैन कहना तो उत्तर प्रदेश में रहना होगा या देश में रहना होगा, ये सब गलत बातें हैं। और किसी भी वर्ग के लोगों को, किसी भी धर्म के दूसरे लोगों को ये सब नहीं कहना चाहिए। जैसे इससे पहले भी काफ़ी बार सुनने में आया है कि जैसे कहते हैं कि देश में रहना होगा तो जैसे आराम कहना होगा, ये भी नहीं कहना चाहिए। और ये जरूर यह कहा गया जिसे हुसैन कहना है तो उत्तर प्रदेश में रहना, ये गलत है। जिन लोगों ने नारे लगाए क्या लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई, अलग लोग पकड़ लिए गए हैं और इस तरह की नारेबाजी करना कहीं पूरा सदन बिगाड़ने की बात की जाती है? नहीं, जिस इस खिलाफ जिन्होंने कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कहा है गलत कहा है, गलत कहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? आमिर अहमद। आपको क्या लगता है कि इस तरह ये जो मुहर्रम के नाम पर नारेबाजी करी जा रही है और फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, कहाँ तक ये सही है? क्योंकि मुहर्रम गम का महीना है, इस तरह की नारेबाजी? देखिए मुहर्रम गम का महीना है और दूसरी बात जो इस तरीके की जो मतलब कहा गया है, जो भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तो जिन लोगों ने ये बोला है ये एक माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं।
जहाँ भी जुलूस निकल रहा होगा, जहाँ पर भी यह अमेठी से सुनने में आया, अमेठी है, जिला अमेठी है, वहाँ से आया है, जुलूस निकल रहा था वहाँ पे, इन लोगों ने ये बोला है, तो ये माहौल बिगाड़ने के काम करते हैं। ऐसे लोगों पे मैं सरकार से कुछ अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं चाचा कि जो जुलूस के नाम नारेबाजी करी गई है, माहौल बिगाड़ने की बात करें, कैसे देखते तमाम लोग जो करते हैं ये गलत है सब, ये सब गलत, ये चीज नहीं होना चाहिए, जाना तो बहुत गलत हो रहा। आप क्या लगता है कि जिस ऐसे नारेबाजी करी, ये वैसे तो गलत किया है, अब ये है कि अपने हिसाब से जिसे होता है वैसे अपने मनाइए, अब ये नारा लगा रहे हैं तो ये गलत है, ये तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो मुस्लिम लोग, तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से नारेबाजी की है गलत चीज़ है, जो लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई।